नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। 50 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात की चोरी करने वाले साथी चोर के साथ दो खरीदार चढ़े पुलिस के हत्थे। आरोपी सुरेश महाना डंकेश्वर देवांगन धनाजी झंडे कृष्णा प्रसाद को किया गया गिरफ्तार। चोरी की गई जेवरात को आरोपियों के कब्जे से किया गया बरामद। पेशेवर आरोपी सुरेश महाना इसके पूर्व भी जांजगीर एवं सक्ती जिला के चोरी के प्रकरणों में हो चुका है चलान। चोरी की गंभीरता को देखते हुए किया गया था विशेष टीम का गठन। प्रार्थी मुकेश देवांगन पिता माधवराम देवांगन उम्र 38 वर्ष साकिन चंद्रपुर दिनांक 11/1/2023 को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराए कि दिनांक 10/11/1/2023 को किसी अज्ञात चोर द्वारा उनके घर अंदर घुसकर 8 नग सोने की बिस्किट तथा 3 नग हार 1 नग सोने का चेन 2 कर्ण फूल वजनी 660 ग्राम एवं 30,000 रुपए नकदी रकम को चोरी कर ले गया है कि रिपोर्ट पर थाना चंद्रपुर में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 03/2023 धारा 457-380 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आरोपी की पतासाजी हेतु विशेष टीम गठित किया गया जिसमें जांजगीर एवं रायगढ़ जिले के अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल थे। पुलिस अधीक्षक महोदय श्री MR आहिरे के मार्गदर्शन में त्वरित कार्यवाही कर आरोपी सुरेश महाना पिता गोवर्धन महाना साकिन पुसौर हालमुकाम पतेरापाली रायगढ़ को खरिहार रोड उड़ीसा से पकड़कर हिरासत में लिया गया एवं पूछताछ करने पर दिनांक 10/11/1/2023 को प्रार्थी के घर अंदर घुसकर चोरी करना स्वीकार किया एवं 8 नग सोने के बिस्किट वजनी 500 ग्राम एवं नकदी रकम 20,000 रुपए तथा घटना में प्रयुक्त 1 नग मोटरसाइकिल व टार्च को जब्त किया गया एवं उसके दोस्त संजय नगर चापा के डंकेश्वर देवांगन के द्वारा 3 नग सोने के हार 1 नग सोने की चेन 2 नग सोने का कड़ना कुल वजनी 150 ग्राम को छुपाने में मदद किया था जिसे उसके कब्जे से जब्त किया गया। आरोपी सुरेश महाना द्वारा पूर्व में चोरी कर किरोड़ी मलनगर के कृष्ण प्रसाद सोनी को सोने के चांदी जेवरात एवं धनाजी झंडे के पास विक्रय किया था जिनके कब्जे से सोने के जेवर एवं गलाया हुआ सोना 298.33 ग्राम कुल सोना लगभग 950 ग्राम एवं चांदी 150 ग्राम वर्तमान कीमती 50,87,000 रुपये को जब्त किया गया। आरोपी सुरेश महाना पिता गोवर्धन महाना साकिन पुसौर हालमुकाम पतेरापाली रायगढ़ को खरिहार रोड उड़ीसा डंकेश्वर देवांगन पिता लक्ष्मी चंद देवांगन संजय नगर चापा धनाजी झांडे पिता पांडुरंग झांडे रायगढ़ कृष्णा प्रसाद पिता भेला प्रसाद वार्ड क्रमांक 15 रायगढ़ को आज दिनांक 16/2023 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। आरोपी सुरेश महाना के SBI के दो अकाउंट रायगढ़ और चापा में हैं जिसमें लगभग राशि 2 लाख रुपए हैं जिसे सीज करने की कार्यवाही की जा रही है। उक्त कार्यवाही में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती गायत्री सिंह उप पुलिस अधीक्षक श्री VS खुटिया निरीक्षक श्रीमती सत्रुप्पा तारम निरीक्षक प्रवीण राजपूत उप निरीक्षक सुरेश ध्रुव उप निरीक्षक नवीन पटेल सहायक उप निरीक्षक संतोष तिवारी सहायक उप निरीक्षक हरनारायण ताम्रकर प्रधान आरक्षक राजकुमार चंद्रा आरक्षक वीरेंद्र टंडन आरक्षक खगेश राठौर आरक्षक बेस जाटवर दीपेन धुकर आरक्षक राजेश कौशिक आरक्षक कमल किशोर सिदार तथा थाना चंद्रपुर पुलिस का सराहनीय योगदान रहा। जांजगीर टीम का विशेष योगदान रहा। जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में प्रदेश रिपोर्टर हलधर रात्रे की खास रिपोर्ट। नवीन जिला सक्ती अभी 4 महीना हुआ अस्तित्व में है और लगातार चोरियों की वारदात यहां पर बढ़ते जा रही थी और इस पर्पज से इसी क्रम में अभी रिसेंटली 10 तारीख और 11 तारीख की दरमियानी रात में चंद्रपुर प्रॉपर में मुकेश देवांगन और उसके परिवार जहां रहते थे उनके घर में एक बड़ी चोरी हो गई थी जिसमें करीब 60 तोला से ज़्यादा सोना और 30,000 रुपये नकद चोर वहां से लेके चले गए थे और ये नए सक्ती जिला के दृष्टि से भी हालांकि छोटा जिला इसके इतिहास में दिखाई सबसे बड़ी चोरी थी और हम लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि इस चीज़ को हम लोग ट्रेस करें पकड़ें। इसी क्रम में लगातार हम लोगों ने प्रयास किया और हमारी पूरी टीम यहाँ पर लगे रही और इस पूरी टीम में इसमें मैं भी 2-3 बार लगातार घटना स्थल पर रहा वहाँ को छोड़े नहीं। एडिशनल SP गायत्री सिंह मैडम हमारे यहाँ इसका विशेष योगदान रहा कंटिन्यू हेडक्वार्टर वहाँ पर बना कर रखी रही वहाँ सत्रुपा तारम TI है उसका भी लगातार प्रयास था। एक टीम हम लोगों ने अपने लोकल जिले का बनाया था। इसके अलावा जो हमारे जांजगीर जिला
पुराना जिला है, उसके यहाँ से भी हम लोगों ने एक टीम मांग किया था और वहाँ से भी विशेष टीम हमको मिला था। इसके अलावा रायगढ़ से भी कुछ हमारे टीम में आए थे। इस तरीके से एक संयुक्त रूप से टीम बनाए थे और इस टीम में बहुत अच्छा लीड जांजगीर तरफ से भी हमको प्राप्त हुआ और इसी के आधार पर आगे बढ़ते बढ़ते सभी डिस्ट्रिक्ट में तो हम चोर तक पहुंच सके। चोर जिसका नाम इसमें है सुरेश महाना, ये रहने वाला है पुसौर क्षेत्र जिले रायगढ़ का और जुआ खेलने का आदी है। उस दिन भी हम लोग जब पकड़ने गए थे तो खरियार रोड उड़ीसा तरफ वो खेलने गया था जुआ, और वहां से हम लोग ट्रेस करके वहां से भी उनको लेके आए थे। ये मेन आरोपी था सुरेश महाना, इसके साथ में नगेश्वर देवांगन जो चापाकल था उसके साथ था। वो कुछ सामान उनके पास से बरामद हुआ था, जो ज्वेलरी के आइटम थे उनके पास से बरामद हुआ। और यहाँ से रायगढ़ जिले के दो व्यापारी लोग जो इनके इसको गलाने में और इसको जो नंबर दो के चोरी के माल के खरीदने में संलिप्त थे, ऐसे दो ज्वेलरी शॉप के ऑनर थे इसमें। और इनको भी हम लोगों ने इसमें आरोपी बनाया है। इसमें धनाजी झंडे करके वहां पर इनने उसको गलाने का काम किया, और कृष्णा प्रसाद ये इनका ज्वेलरी शॉप है, ये इनको खरीदने में ये लगातार इनसे चोरी का सामान खरीदते थे, उनको गलाते थे और रिसेल करते थे। तीन काम में ये भी व्यस्त थे। इस तरीके कुल चार आरोपी हम लोगों ने अभी तक इसमें गिरफ्तार किया है। सुरेश महाना जो लगातार इसमें बहुत बड़ी बड़ी चोरियों में शामिल रहा है उड़ीसा क्षेत्र में भी, और इस क्षेत्र में भी कई चोरियों को वारदात दिया था और उसको पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली। पुलिस को लगभग 100 तोला सोना इनके पास से बरामद हुआ है। 60 तोला इसमें मिला, मतलब 1 किलो सोना प्राप्त हुआ, जिसमें और भी जगह के इसमें चोरी के सामान शामिल थे और कुछ जगह का भी हमको स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन इनके पास से शामिल है उसको 41-4 में हम लोगों ने जब्त किया है। तो जो अन्य जिनके पास से भी इस तरीके गया है ताकि मिलान करके उसमें आगे भी इसमें हम कार्रवाई करते रहेंगे। तो इस तरीके का एक बहुत बड़ा चोरी का पर्दाफाश हुआ है और ये जो सातीर चोर है उसको सख्ती पुलिस ने विशेष प्रयास से इसको गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। ये चूंकि पुलिस का काम टीम वर्क की है, टीम भावना से हम काम करते हैं, इसमें जांजगीर पुलिस की, रायगढ़ पुलिस की और भी अन्य जो सहयोग किए हैं, इसमें फिंगरप्रिंट वाले भी थे और डॉग स्क्वाड भी था, सब लोग यहाँ पर आए थे और वो सभी लोग इसके लिए बधाई पात्र हैं। और आप सब लोगों के सहयोग से और जिस ढंग से आप लोगों का कोऑपरेशन मिलता है और लगातार हम पुलिस की ओर से प्रयास करते हैं, और एक एक मैसेज भी देना चाहते हैं कि क्योंकि घर ये जिस जगह पे चोरी हुआ था वहां सब सोए हुए थे, उसके बाद भी चोरी हुआ था। अधिकांश चोरी जगह जगह पे हम लोग देखते हैं कि घर को खाली करके अभी छोड़ के चल देते हैं इधर उधर, तो खाली घर को देख के चोर इसमें टारगेट करते हैं। तो ये हमारा बाकी आम जनता से आग्रह है कि घर को पूरी तरीके से खाली ना करके जाएं, और जब भी रहते हैं तो किसी न किसी को वहां पर सुलाएं रखें, और कोई ऐसा है तो पुलिस को भी इसकी सूचना दें कि इतने दिनों तक, ताकि आसपास हम पेट्रोलिंग लगा कर सकें और उस तरीके का प्रयास करें कि उस क्षेत्र में चोरी की वारदात ना हो। और चूंकि चोरियां लगातार बढ़ रही हैं, लगातार और भी चोरियां अभी हो रही हैं, और पिछले एक सप्ताह पहले ही आपको विदित होगा कि माल खरौदा में भी 7-8 लाख की चोरी हुई थी। सख्ती पुलिस ने उसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, और उसमें मतलब हिस्सा लेने का बढ़ चढ़ के उसमें आरोपियों को पकड़ने में हिस्सा लिया था, और आरोपी को हम पकड़े थे। इसमें 5 आरोपी थे, उसमें सभी लोगों को जेल दाखिल किए और वो सभी संपत्ति 7 लाख का पूरा उसमें भी रिकवर किए थे। ये बहुत बड़ी चोरी थी, इसमें भी 100% रिकवरी, इसके अलावा भी और बहुत ज्यादा रिकवरी है जो अन्य थाना क्षेत्र का है, अन्य घटनाओं में शामिल रहा है, उसको भी हम लोगों ने इसमें जब्त किया है। तो इस तरीके से आने वाले दिनों में और एक चैलेंज रहेगा कि इस प्रकार के चोरियों की वारदात ना हो, इसके लिए हम गश्त पेट्रोलिंग बढ़ाएंगे, और यदि इस प्रकार की चोरियां होती हैं तो हम एक टीम वर्क के साथ काम करके चोर को पकड़ने का काम करेंगे। कि चोरी हुई ऐसा कितना? इसमें 60 तोला सोना था और 30,000 नगद था, वो पूरा का पूरा 100% की बरामदगी है। इसके अलावा और भी है, मान के चलिए 50-60 लाख चोरी बरामदगी हुई है हमारे पास। चंद्रपुर का प्रॉपर कितने का था? प्रॉपर का वही बोल रहा हूँ आपको, 60 तोला चांदी था, जिसमें 100-100 ग्राम सोना, सॉरी 100-100 ग्राम के दो बिस्किट थे और 50-50 ग्राम के 6 बिस्किट थे, इसलिए 50 तोला उसी हो वही हो जाता है। और इसके अलावा ज्वेलरी था,
उनके जो हार थे गले के, 3 सेट हार का था, कान का हार एक वाली था झुमका, और एक चैन था, ये पूरा गोल्ड के रूप में था। ये सभी पूरा का पूरा 100% हमने बरामदगी किया, और इसके साथ नगद रकम भी बरामद हुआ। उनके घर में ही रखा हुआ था, ये चोरी करके बाहर चला गया था और कुछ को रखे थे बेचने के लिए। पुराना जो चोरी था उसमें कुछ क्या बरामद? पुराना चोरियों की जो वारदात हुई थी तो उसमें 2 जगह हमारे यहाँ से, एक तो चंद्रपुर प्रॉपर में हुआ था, उसमें भी शामिल होना स्वीकार किया है, उसमें भी उसकी जब्ती हुई है, और एक क्षेत्र डबरा क्षेत्र में भी एक चोरी हुई थी, उस क्षेत्र उस जगह का भी इसमें सामान बरामदगी हुआ है। इसके अलावा जो सामान है वो हम लोगों ने हमने अभी तक शामिल नहीं पाया, लेकिन किसी न किसी जगह पे इसका चोरी का ही सामान था, तो वो हम सभी जगह को खबर कर दिए। जिनको यदि कहीं इस प्रकार की सूचना मिलेगी आके उसको तस्दीक करेंगे और उसको फिर उसमें दो बड़ी कार्य कर रही है। जहाँ संभव होता है, जहाँ पे हम पहुँच सकते हैं, हमको क्लू मिलता है लगातार, वो हम उसमें प्रयास करते हैं। ये पुरानी चोरियों की बात, और भी जिले में कई प्रकार बड़ी बड़ी चोरियाँ हुई हैं, और उसमें पुलिस जितना हो सकता था उस समय भी प्रयास किए हैं, और हम अभी भी प्रयासरत हैं। आने वाले दिनों में इस प्रकार की घटना होती है तो हम लगातार टीम वर्क के साथ करेंगे। हमारा प्रयास है चोर को पकड़ना और माल को बरामद करना। रहता है कि हम ये चोरी का माल है और उसको हम नहीं जानते, इस तरीके की बातें करते हैं, तो जो पुराना कितना गलाया, कहाँ बेचा, उस चीज का खुलासा तो कोई नहीं करता है। तो है जीत गया था गलाने के लिए, इसी को ही पकड़ा है, और आता था नहीं आता तो उसने उसको उसी ढंग से ही पकड़े हैं, और वो सामान के साथ उसको और उसको गिरफ्तार किए हैं। कोई क्लू इनके साथ नहीं मिला है, और इनसे पूछताछ में इनने ऐसा कुछ बताया नहीं कि लोकल लोगों का इसमें सहयोग रहा है। इसका कार्य करने का तरीका ही रहा इंडिपेंडेंट ढंग से करने का, जहाँ भी जाता है अकेले चोरी का मतलब खाली घर देखता है, उस जगह पे जाके घुस जाना, अकेले उस जगह पे चोरी को वारदात को अंजाम देना, और उसके बाद फिर उसका ठिकाने लगाने काम ये खुद इंडिपेंडेंटली करता है, अभी तक ये जानकारी आई है। इसके साथ में जो रहे हैं और ये उसको छुपाने के लिए, गलाने के लिए, बाकी इसको डिस्पोजल करने के लिए इनके साथ जो साथ देते रहे हैं, लेकिन चोरी के समय इनके साथ कोई नहीं था, ये जानकारी सामने आई है। और पुराने रिकॉर्ड सीसीटीवी कैमरा में क्या 10 से 15 दिन का उसका फुटेज कितना उसका कैपेसिटी रहता है डीवीआर के, उस हिसाब से रहता है, तो उतना हम लोगों ने चेक किया है, तो जितना हमको समझ में है पूरी तरीके से वो तो हमने पकड़ा है। उस घर में जहाँ पे इन लोगों ने गला रहे, तो वहाँ पे सीसीटीवी जैसे कैमरा नहीं है। मुख्य आरोपी था, उसको ठिकाने लगाने के नाम से ही दिया था, ये से पूछताछ भी बता रहा था कि यदि भविष्य में उसको छुपाने का काम किया है इसको चोरी के साथ में, और लगातार उससे बात होते रही है और कॉल डिटेल से भी सभी चीजों की जानकारी मिले, और ये उस सब चीजों को अपने पास रखा था। ये कहना था यदि भूले से इसको कहीं जेल हो जाए तो छुड़ाने के लिए इसको उपयोग करना, या जो उसको बाद में उपयोग करें। और वो सामान हमको उनसे बरामद हुआ, जितने भी जो गले का हार है, चैन है, कान के झुमके हैं, सब उनके पास से ज्वेलरी, सब पूरे ज्वेलरी चीजें मिला है। भैया ने जो चोरी किया था चंद्रप्रिया अकेले ही?